किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से मेरा नमस्कार। देखो ये सबको मालूम है कटाई का समय आ गया, सरसों तो काफ़ी कट भी चुकी है और गेहूं की कटाई तैयार है, लेकिन ये समस्या जो आज किसान के सामने आई है, मजदूरी नहीं मिल रही। और एक मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारी पुरानी संस्कृति है, ये मिलजुल कर जो है ना डंगवारा जैसे होता था पहले, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ चलकर अपनी फसल कटवाई और ढुलाई का काम करें। और जब भी खेत में जाएं तो जैसे शहर में मास्क लगाते हैं, मास्क की बेशक जरूरत हो टाटा मार लें, अपना जो वो है उसके ऊपर मुंह पर ढककर जाएं खेत में, वो उससे बीमारी से भी बचाएगा आपको, धूल मिट्टी से भी बचाएगा। और एक 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 दाना जो है वो अपने उसमें लेके आए, ताकि अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम बेमौसमी बारिश भी होती है, खेत में बारिश में दाना एक भी ख़राब ना हो, सारा दाना लेके आए। हाँ दिक्कत है आपको भी कहाँ लाए, हर आदमी के पास उसको स्टोर करने का स्थान नहीं है, तो मेरी सरकार से भी आग्रह मैंने किया है कि स्कूलों में प्रबंध किया जाए, ताकि किसान ला कर अपना स्कूलों तक ले आए और वहीं उनकी खरीद हो जाए, वहीं तोल हो जाए, ताकि ढुलाई का बोझ उसके ऊपर ना पड़े। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और अब जो है सरसों की फसल आई है, लेकिन अभी भी मेरे पता लगा है, कई गांवों से खबर आई है मेरे पास और हंसी से भी आई है एक दो जगह और से भी, कि जो सरसों जो आ गई है वो जो MSP से भी कम बिक रही है, 4425 MSP है सरसों का, और आज जो है 3800 3600 3700 रुपये खरीदी जा बिक रही है। ये मेरा सभी से है भाई, ये ऐसा समय नहीं है, किसान को पूरा उचित भाव मिलना चाहिए। जो हमारी सर्वदलीय मीटिंग थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो भाई जो इस समय मुनाफा कमाने की बात ना सोचकर किसान के हित की बात सोचें, देश के हित की बात सोचें। इसी प्रकार से गेहूं की जब फसल आएगी उसकी कटाई के लिए, जैसे आपने पता है गामा में जो है साजला जोड़ होता था, पूरा गांव इकट्ठा होके का जोड़ खोदता था, इसी प्रकार वही समय आज ये है, सबको एक दूसरे के भाई की मदद करके फसल की जो है कटाई और ढुलाई करके, जब अपनी फसल पहुँच जाए किसान पूरी फसल गए, किसान ही इस देश का पेट पालता रहा है। और हर समय चाहे लड़ाई का समय हो चाहे ऐसी समस्या हो, किसान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश को मजबूत किया है। आज भी मेरे को पूरा भरोसा है किसान आपस में हाथ से हाथ मिलाकर सब करेंगे। हर किसान जो है भाई अपने उत्तर भी दक्षिण में भी पूर्व में भी पश्चिम में भी देखें, कोई भूखा ना रहे आपके पास पास, ये सब किसान की देखें, कोई भाई भूखा ना सोए, ये आज सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबको मिलजुल कर उसमें हमने ये लड़ाई जीतनी है, और किसान जो है अग्रणी रहे सदैव और अग्रणी रहेंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से किसान भाइयों को आग्रह करता हूँ कि एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के हाथ बटाकर जो ये संकट का समय है निकालें, अपनी फसल निकालें और अगली फसल बोने की तैयारी करें। सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से मेरा नमस्कार। देखो ये सबको मालूम है कटाई का समय आ गया, सरसों तो काफ़ी कट भी चुकी है और गेहूं की कटाई तैयार है, लेकिन ये समस्या जो आज किसान के सामने आई है, मजदूरी नहीं मिल रही। और एक मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारी पुरानी संस्कृति है, ये मिलजुल कर जो है ना डंगवारा जैसे होता था पहले, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ चलकर अपनी फसल कटवाई और ढुलाई का काम करें। और जब भी खेत में जाएं तो जैसे शहर में मास्क लगाते हैं, मास्क की बेशक जरूरत ना हो टाटा मार लें, अपना जो वो है उसके ऊपर मुँह पर ढककर जाएं खेत में, वो उससे बीमारी से भी बचाएगा आपको, धूल मिट्टी से भी बचाएगा। और एक 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 दाना जो है वो अपने उसमें लेके आए, ताकि अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम बेमौसमी बारिश भी होती है, खेत में बारिश में दाना एक भी ख़राब ना हो, सारा दाना लेके आए। हाँ दिक्कत है आपको भी कहाँ लाए, हर आदमी के पास
उसको स्टोर करने का स्थान नहीं है, तो मेरी सरकार से भी आग्रह मैंने किया है कि स्कूलों में प्रबंध किया जाए ताकि किसान ला के अपना स्कूलों तक ले आए और वहीं उनकी खरीद हो जाए, वहीं तोल हो जाए, ताकि ढुलाई का बोझ उसके ऊपर ना पड़े। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और अब जो है सरसों की फसल आई, लेकिन अभी भी मेरे पता लगा है, कई गाँव से खबर आई है मेरे पास और हसी से भी आई है एक दो जगह और से भी, कि जो सरसों जो आ गई है वो जो MSP से भी कम बिक रही है। 4425 MSP है सरसों का और आज जो है 3800-3600-3700 रुपये खरीदी जा बिक रही है। ये मेरा सभी से है भाई, ये ऐसा समय नहीं है, किसान को पूरा उचित भाव मिलना चाहिए। जो हमारी सर्वदलीय मीटिंग थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो भाई जो इस समय मुनाफा कमाने की बात ना सोचकर किसान के हित की बात सोचें, देश के हित की बात सोचें। इसी प्रकार से गेहूं की जो फसल आएगी उसकी कटाई के लिए, जैसे आपने पता है गामा में जो है साजरा जोड़ होता था, पूरा गांव इकट्ठा होके का जोड़ खोदता था, इसी प्रकार वही समय आज ये है, सबको एक दूसरे के भाई की मदद करके फसल की जो है कटाई या ढुराई करके जब अपनी फसल पहुँच जाए, किसान पूरी फसल गए, किसान ही इस देश का पेट पालता रहा है। और हर समय चाहे लड़ाई का समय हो चाहे ऐसी समस्या हो, किसान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश को मजबूत किया है। आज भी मेरे को पूरा भरोसा है किसान आपस में हाथ से हाथ मिलाकर सब करेंगे। हर किसान जो है भाई अपने उत्तर भी दक्षिण में भी पूर्व में भी पश्चिम में भी देखें, कोई भूखा ना रहे आपके पास पास, ये सब किसान की देखें, कोई भाई भूखा ना सोए, ये आज सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबको मिलजुल कर उसमें हमने ये लड़ाई जीतनी है और किसान जो है अग्रणी रहे सदैव और अग्रणी रहेंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से किसान भाइयों को आग्रह करता हूँ कि एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के हाथ बटाकर जो ये संकट का समय है निकालें, अपनी फसल निकालें और अगली फसल बोने की तैयारी करें। सभी किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से मेरा नमस्कार। देखो ये सबको मालूम है कटाई का समय आ गया, सरसों तो काफ़ी कट भी चुकी है और गेहूँ की कटाई तैयार है, लेकिन ये समस्या जो आज किसान के सामने आई है, मजदूरी नहीं मिल रही। और एक मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारी पुरानी संस्कृति है, ये मिलजुल कर जो है ना डंगवारा जैसे होता था पहले, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के साथ चलकर अपनी फसल कटवाई और ढुलाई का काम करें। और जब भी खेत में जाएं तो जैसे शहर में मास्क लगाते हैं, मास्क की बेशक जरूरत हो टाटा मार लें, अपना जो वो है उसके ऊपर मुँह पर ढककर जाएँ खेत में, वो उससे बीमारी से भी बचाएगा आपको, धूल मिट्टी से भी बचाएगा। और एक 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 दाना जो है वो अपने उसमें लेके आए, ताकि अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम बेमौसमी बारिश भी होती है, खेत में बारिश में दाना एक भी ख़राब ना हो, सारा दाना लेके आए। हाँ दिक्कत है आपको भी कहाँ लाए, हर आदमी के पास उसको स्टोर करने का स्थान नहीं है, तो मेरी सरकार से भी आग्रह मैंने किया है कि स्कूलों में प्रबंध किया जाए ताकि किसान ला के अपना स्कूलों तक ले आए और वहीं उनकी खरीद हो जाए, वहीं तोल हो जाए, ताकि ढुलाई का बोझ उसके ऊपर ना पड़े। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और अब जो है सरसों की फसल आई, लेकिन अभी भी मेरे पता लगा है, कई गाँव से खबर आई है मेरे पास और हसी से भी आई है एक दो जगह और से भी, कि जो सरसों जो आ गई है वो जो MSP से भी कम बिक रही है। 4425 MSP है सरसों का और आज जो है 3800-3600-3700 रुपये खरीदी जा बिक रही है। ये मेरा सभी से है भाई, ये ऐसा समय नहीं है, किसान को पूरा उचित भाव मिलना चाहिए। जो हमारी सर्वदलीय मीटिंग थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो भाई जो इस समय मुनाफा कमाने की बात ना सोचकर किसान के हित की बात सोचें, देश के हित की बात सोचें।
इसी प्रकार से गेहूं की जब फसल आएगी उसकी कटाई के लिए, जैसे आपने पता है गामा में जो है साजला जोड़ होता था, पूरा गांव इकट्ठा होके जोड़ खोदता था, इसी प्रकार वही समय आज ये है सबको एक दूसरे के भाई की मदद करके फसल की जो है कटाई या ढुराई करके जब अपनी फसल पहुँच जाए, किसान पूरी फसल गए, किसान ही इसका पेट पालता रहा है। और हर समय चाहे लड़ाई का समय हो चाहे ऐसी समस्या हो, किसान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश को मजबूत किया है। आज भी मेरे को पूरा भरोसा है किसान आपस में हाथ से हाथ मिलाकर सब करेंगे। हर किसान जो है भाई अपने उत्तर भी दक्षिण में भी पूर्व में भी पश्चिम में भी देखें, कोई भूखा ना रहे आपके पास पास, ये सब किसान की ये देखें, कोई भाई भूखा ना सोए, ये आज सबकी जिम्मेवारी बनती है। सबको मिलजुल कर उसमें हमने ये लड़ाई जीतनी है और किसान जो है अग्रणी रहे सदैव और अग्रणी रहेंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से किसान भाइयों को आग्रह करता हूँ कि एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के हाथ बटाकर जो ये संकट का समय है निकालें, अपनी फसल निकालें और अगली फसल बोने की तैयारी करें।